और शहरों में तो हर चीज की मशीन होती है, पर पहाड़ों में ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में मतलब कि औरतों पे अत्याचार होता है तो। और अभी मैं सो रखी थी, जैसे मुझे थोड़ी सी नींद आई वैसी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से और आज है मेरा व्रत। और सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको आज का मौसम। तो सूर्यदेव अभी अभी आए हैं और धूप नहीं लगी है, धुंधली धूप है और बादल लगे हुए हैं। और आजकल गांव में कटाई और मंडाई का काम भी शुरू हो गया है, तो बारिश तो ऐसे अब होनी नहीं चाहिए, पर देखते हैं क्या होता है। और अभी आया है मुझे चाचा का फ़ोन कि अगर ककड़ी है तो ककड़ी लेके आ जा। तो मम्मी तोड़ रही है ककड़ी, मतलब अभी हमारी ककड़ी लगी नहीं है, छोटी छोटी सी है दो, तो मम्मी ने बोला यही ले जा ले क्योंकि यहाँ कोई खाता नहीं है। अमन खाता था तो अमन नीचे जा रखा है। तो अभी मम्मी तोड़ रही है चाचा लोगों के लिए ककड़ी। तो ककड़ी हमारी लग नहीं रखी थी, यही थी तो यही लेके जाती हूँ। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप पहाड़ी भाई को नहीं देते हो, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सब मिल बांट के ही खाते हैं। वो अलग बात है कि कुछ चीज़ें दिखाती हूँ मैं, कुछ चीज़ें नहीं दिखाती हूँ, पर चाचा लोगों को भी हम लोग सब कुछ देते हैं। चाचा एक बारी में कुछ भी बोले, मेरी माँ उस चीज़ के लिए ना नहीं बोलती है। तभी मैं जा रही हूँ, बहुत ढूंढने के बाद हमें यही मिली तो यही बहुत है। अभी मैं जा रही हूँ चाचा लोगों के घर पे। और गांव के इस साइड है हमारा घर, जो मंदिर दिख रहा है, मंदिर के नीचे है हमारा घर। और चाचा लोगों का घर है गांव के शुरुआत में, जो घर लगता है वो सबसे पहले चाचा, मतलब ऊपर से दादी लोगों का भी है, फिर चाचा लोगों का घर लगता है। और अभी मैंने चाचा लोगों को ककड़ी भी दे दी है। अब मैं और बुआ जा रहे हैं फिर से खेत में। खेत में दिखी है मुझे मेरी बड्डी, तो अभी हम कर रहे हैं अपनी बड्डी को पानी का दान। मेरी बड्डी को लग गई बल प्यास, मेरी बड्डी बैठी है यहाँ छाया में। दुनिया कटाई मंडाई पे लग रखी है और मेरी दोनों बड्डी घास काटने पे लग रखी है। यहाँ पे संतों की मम्मी भी घास काट रही है और मेरी बड्डी शुभम की मम्मी भी घास काट रही है। तो मन धान ही पका अभी तक क्यों? तो इसीलिए ये लगे हैं पहले। तो मेरी बड्डी पे बुढ़ेली भी लग रखी है, तो मेरी बड्डी लग रखी है घास काटने में। चल बड्डी काटो, हम जा रहे, ठीक है, हम नहीं गए, बाय। अजूबा हमारे घर का ये भी है, मेरी छोटी चाची, सारी दुनिया कटाई मंडाई पे लग रखी है और ये लग रखे है अपने अपने खेतों में। अभी इनका धान नहीं पका, तो अभी हमारे घर में किसी का धान नहीं पका है और ना ही कटने के लिए तैयार हुआ है। तो सब लोग लगे हैं पहले जो और काम है उनको निपटाने के लिए। तो जब धान पक जाएगा उसके बाद चाची लोग भी अपनी कटाई मंडाई पे लग जाएंगे। पर हम सोच रहे थे कि कुछ दिनों में खेत खाली हो जाएंगे, पर लगभग आज कल और परसों हमारे यहाँ के लगभग सारे खेत खाली हो जाएंगे क्योंकि सभी लोग लगे हैं अपने खेतों में कटाई और मंडाई करने पे। हाँ, लगभग हमने सारे खेतों की कटाई कर दी थी, एक लास्ट खेत बच रखा है तो उसमें जमुना आ गई है और जमुना काट रही है धान। और अभी मैं और बुआ भी काटना शुरू कर देते हैं। तो अभी दादी चली गई है धान काट के घर और मेरे दादा लगा रहे और मेरे दादा लगा रहे हैं यहाँ पे कन का। और दादी बोल, दादा, मैंने दादा को पूछा कि दादी कहाँ हैं, तो दादा बोल रहे हैं कि दादी रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच गई है। लड़ने के लिए गई है या? तो अभी दादा लगा रहे हैं कन का और दादा लोगों ने लगभग पूरा धान काट दिया है इस खेत का। और अभी मैं और बुआ जा रहे हैं, बुआ लोगों के खेत में हो रही है धान की मंडाई, तो मैं और बुआ जा रहे हैं धान की मंडाई करने के लिए। और शहरों में तो हर चीज़ की मशीन होती है, पर पहाड़ों में ऐसा नहीं है, पहाड़ों में सब खुद की मेहनत से काम करते हैं। और हमारे यहाँ लगभग सभी लोग खुद पे ही निर्भर होते हैं, खुद ही काम करते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको आज धान की मंडाई कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया था कि धान काटने के बाद उसका कनका लगाया जाता है, तो इससे थोड़ा थोड़ा धान निकाला जाता है और उनको पैरों से मांडा जाता है। और अभी मंडाई कर रही है मेरी बुआ और मेरी बुआ मुझे बोल रही है कि मुझे दिखाना कि वीडियो में। तो इस तरीके से मांडा जाता है हमारे यहाँ धान पैरों से। और पैरों को पैरों से मांडने के बाद अगर पैर में थोड़ा सा भी पानी पड़े तो बहुत ज़्यादा चिरमिराहट होती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है पैरों में। धान की मंडाई करने के बाद जो घास होती है उसकी, उसको यहाँ पे डाला जाता है, हमारी गढ़वाली भाषा में इसको पराल बोला जाता है। तो इसको, इसमें जितने भी दाने बचे रहते हैं वो लट्ठी से छांग के अलग किए जाते हैं। ये इसके लिए स्पेशल लट्ठी होती है, ये है टेमरू की लट्ठी। जब मैंने बोला था आपको कि टेमरू हमारे यहाँ पूजा के काम भी आता है और दवाइयों के काम भी आता है, और उसकी जो लट्ठी होती है वो स्पेशली काम आती है मंडाई में। जो बचा हुआ धान होता है उसको
इससे पीटा जाता है और इससे अलग किया जाता है। वो अलग रखी है धान की मंडाई करने पे। फिर उसके बाद पराल की पुल्ली बनाई जाती है और इसको कुछ टाइम तक धूप पे सुखाया जाता है। धूप पे सुखाने के बाद इसको घली जाके पेड़ों में लगाया जाता है और स्टोर किया जाता है पशुओं को देने के लिए। और इसकी खास बात यह है कि पशु इसे बहुत चाह से खाते हैं। और इस तरीके से इसको कनके से निकाला जाता है। भैया लोग लगे हैं अपनी मंडाई करने पे और नीचे भी सभी लोग लगे हैं आजकल खेतों की मंडाई और कटाई करने पे। कुछ काम धाम नहीं है, मेरी और मेरी बुआ का काम है डपकाना सिर्फ। हमारे दादा ने कौन का भी लगा दिया है और मेरे दादा बहुत मेहनती है ना दादा। ये मेहनत नहीं है ना दादा, ये मेरे दादा। इतनी तारीफ मत किया करो यार दादा मेरी। वही तो मेरे दादा मेरी बहुत तारीफ करते हैं। मैंने पहले भी बोला है मेरे दादा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे बुआ भी काटने लग गई है धान, तो मैं भी काट देती हूँ बुआ के साथ थोड़ा सा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पहाड़ों की लड़कियां काम नहीं करती है, तो पहाड़ों की लड़कियां बहुत काम करती है। हमारी बुआ भी भारी रहती है, पर जब से बुआ घर आई है तब से लगभग बुआ भी काम करी जा रही है और मैं भी काम करी जा रही हूँ। तो लगभग 2005 में बुआ लोग उत्तरकाशी चले गए थे, तो बुआ ने ये काम करना छोड़ दिया था और मैंने भी लगभग 2012 में छोड़ा था मैंने वैसे। तो आज हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो काम हमने नहीं कर रखा है हमसे होगा नहीं। सभी काम होते हैं, काम करा हुआ कभी नहीं भूलते हैं, हम भी नहीं भूले हैं। मैंने आपको कल भी दिखाया था, कल भी हमने लगभग पूरे दिन भर काम किया था और आज भी हम आए हैं खेतों में काम करने के लिए। लोगों का काम ही होता है नेगेटिव बोलना। यार जितना नेगेटिव बोलते हो उतना पॉजिटिव बोल लो। या मेरा मानना तो ये है कि जब हम किसी का कमेंट बॉक्स देखते हैं तो नेगेटिव बोलने से अच्छा पॉजिटिव बोल लो, या बोलो ही मत तो वही ठीक है। तो कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि आप बल नौकरी वाला पति ढूंढना आपकी बस की काम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी बस की काम नहीं है, काफ़ी टाइम के बाद हमने काम करा है इसलिए मेरी हालत कल थोड़ा सा ख़राब हो गई थी। पर अगर ऐसा होता तो हम आज काम करने ना आते, हम दोबारा काम करने आए हैं। मैं इतनी छोटी बच्ची, यमुना इतनी छोटी है, वो तक काम करती है। सभी लोग काम करते हैं पहाड़ों में। तो उन्होंने ये भी कमेंट करा था कि आपके यहाँ मर्द कितने गंदे हैं, औरतों से काम करवाते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, मेरे दादा घर में हैं तो काम करते हैं। हमारे यहाँ मर्द लोग सभी बाहर हैं, सभी मतलब कमाने जा रखे हैं, क्योंकि हम बेरोजगारी बहुत है गाँव में। इतना ये नहीं होता है कि आराम से खा सके रह सके, तो मर्दों को बाहर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ लगभग मर्द लोग कम ही हैं, पापा लोग दादा लोग जितने भी हैं सब लोग बाहर हैं। इसकी वजह से हमारे यहाँ जो काम है वो लेडीज करती, वरना जब मर्द लोग घर आते हैं तो सभी लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के मर्द काम नहीं करते हैं। दादा मेरे रिटायर हैं तो दादा लगभग पूरा काम कर रहे हैं खेतों का। तो यही है जो हैं घर में वो कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे यहाँ के मर्द मतलब कि काम नहीं करते, औरतों से ही काम करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सभी लोग अपने मन के हिसाब से काम करते हैं। हाँ, अगर किसी के मन में है तो वो करते हैं, नहीं है तो नहीं करते हैं। पर ये नहीं है कि वो औरतों पे अत्याचार कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मर्द बाहर हैं इसीलिए वो काम नहीं करते हैं, और जो हैं वो करते हैं। होते हैं चार अच्छे होते हैं चार बुरे होते हैं, पर हमेशा ही जब एक इंसान का नेगेटिव कमेंट आता है तो उससे बहुत अजीब सा लगता है। तो भैया हर बार मेरे इसमें नेगेटिव कमेंट ही करते हैं, पर जवाब देना मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि पहाड़ों में मतलब कि औरतों पे अत्याचार होता है। तो औरतों पे कोई अत्याचार नहीं होता है, औरत अपने मन मर्जी से काम करती है और सभी लोग अपने मन मर्जी से काम करते हैं, क्योंकि यहाँ काम इतना नहीं है। मेरा गांव है लगभग 15-20 खेत छोड़ के, और इतने नज़दीक हमारे खेत हैं। हमारे यहाँ सबसे अच्छा यही है कि खेत जंगल वगैरह सब कुछ नज़दीक। हमें लगता है कि जो इस धौंतरी में आएगा उसके लगभग काफ़ी पुण्य करे होंगे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ नज़दीक है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारे गांव में मेल मिलाप ज़्यादा है, भाईचारा प्यार प्रेम लगभग सभी बहुत ज़्यादा है, सभी आपस में मदद वगैरह सब कुछ कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें लगता है कि हमारे गाँव के बराबर स्वर्ग कहीं नहीं है। सबको अपना गाँव अच्छा लगता है, सबको ही अपनी जन्मभूमि से प्यार है, पर हमें कुछ ज़्यादा ही प्यार है। यहाँ से हमारी नदी नज़दीक है और नदी से कभी कभी इतनी ठंडी हवा आ रही है।
छाता से बैठे हैं तो धूप बहुत ज्यादा लग रही है, और जब काम कर रहे हैं तब धूप का पता नहीं लग रहा है। और अभी लगभग हमने इतना सारा खेत काट दिया है, थोड़ा सा रह गया है अब। और अभी मैं और बुआ जा रहे हैं घर, तो पत्नियां लगी है काम काज करने पे, और यहाँ पे मेरी चाची, तो यही होता है मॉडर्न बहू लाने का नतीजा। ठीक है, चाची यहाँ पे छाता लेके बैठ रखी है। मैं अपने सारे काम निपटा के आ रही हूँ घर पे, और खाना वाना बनाने की ड्यूटी मेरी है, तो सारा काम मैं निपटा के आ रही हूँ। मैं अपनी सासू को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही हूँ। अच्छा, थोड़ा सा नीचे जाओ, अपनी सासू के साथ जाओ, जाओ जब धूप चली जाएगी। धूप में मत आना, मेरे लिए आफत करेगी भाई, मेरे लिए आफत करेगी, मेरी बहू काली हो जाएगी। नहीं बेड में आ जाएगी तो तब दिक्कत आ जाएगी। हाँ, और तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपकी चाची के चैनल का क्या नाम है, तो चाची अपने चैनल का नाम बता दो यार। मेरे चैनल का नाम है सृष्टि ब्लॉग, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसे प्यार आप हमें दे रहे हैं, वैसे हमारी चाची को भी दे रहे हैं। देने वाले दे रहे हैं यार, क्या ऐसी बात नहीं है। तो सृष्टि ब्लॉग से चाची के चैनल का नाम मैंने बताया भी था, पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी चाची ने बता दिया है। तो हमारी चाची के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारी चाची को भी खूब प्यार दें। और ऐसी चाची अच्छा, और ऐसी चाची सबको मिले जो यहाँ पे दुनिया काम कर रही है। मेरी चाची यहाँ पे छाता लेके बैठ रखी है, अगर चार लोगों ने ये चीज देख ली ना चाची, गाली पड़ेगी आपको। ठीक है, अच्छी बात है, तो मैंने नीचे इसीलिए बोला था कि जो बहू धौंतरी आएगी उसके ठाट होंगे। देख लो, दुनिया लगी है काम करने पे, मेरी चाची छाता लेके यहाँ पे बैठ रखी है, गप्पे मार रही है आराम से। मैं यहाँ पे कंपनी दे रही हूँ, सही बात है कि धौंतरी में जो बहू आएगी वो सच में आराम करेगी। तो सास लोगों ने इतना सारा किया हुआ यार, वो कह रही कि अब हमने इतना झेल लिया है, बेचारे तुम ना झेलो, है ना। तो यहाँ सास लोग इतनी अच्छी है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं यार। हाँ, यहाँ की बेटियों को ख्याल रखना पड़ेगा, लल्ली काम करना सीखो बेटा, अगर ऐसे ससुराल नहीं मिला तो हम नहीं जानते भाई। चाची यार, ऐसे पति ढूंढो यार जो मतलब कि जैसे ठाट आपके हैं वैसे ठाट मेरे हैं, मेरा पति मेरे से काम न करे। पहले गाँव ढूंढो, तो मेरी चाची ने और मेरी दूसरी चाची ने बहुत पुण्य करे थे, जो धौंतरी जैसा गांव मिला इन्हें। इन्हें काम धाम कुछ करना पड़ता है नहीं। ठीक है, एक यहाँ पे छाता लेके बैठी है, और चाची तो खैर हमारे थोड़ा सा कहाँ ज्यादा साल हो गया हमारी चाची को ना, छाता लेके क्यों बैठी हूँ। वैसे एक चीज बताओ, मैं क्यों बैठी रखी हूँ, लोगों को यहाँ पे प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ यहाँ पे ठंडा भी हो रहा है, कहीं लगेगा हर जगह धूप हो रही है, जो भी आएगा मैं इसलिए बैठी हूँ, कोई भी आए छाते के नीचे थोड़ी देर। हाँ, उसको सहारा देने के लिए ना, दीदी बुद्धि देर से छाता दे रखा था अभी। तो चाची हमारा बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, तो ठीक है चाची ऐसा काम करते रहें। ठीक है, और अभी मैं घर भी आ गई हूँ, और अभी टाइम हो रहा है दिन के 1 बज रहे हैं, तो मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए खाना। और खाने में मैं आज बना रही हूँ मम्मी के लिए हरी सब्जी और रोटी, और मेरा तो आज व्रत है। और अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं, तो अभी मैं और मेरी माँ जा रहे हैं बाजार, थोड़ा बहुत काम है हमारे बाजार में, तो उनको निपटा देते हैं पहले। और अभी मैं सो रखी थी, जैसे मुझे थोड़ी सी नींद आई वैसे आया मुझे अमन का फ़ोन। अमन मेरे चैनल पे सांप की तरह बैठा रहता है देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद 5,000 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए, और दूसरा धन्यवाद गोलू चाचा का और अमन का, जिस अमन ने मुझे सबसे पहले ये बताई थी उसका भी धन्यवाद। और चाचा के लिए तो जितना धन्यवाद बोलूँ उतना कम ही है, फिर भी एक बार फिर से मैं चाचा के लिए दिल से धन्यवाद आपका मुझे सपोर्ट करने के लिए, आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद चाचा आपका। तो अमन को मैंने मैनेजर की तरह रखा है अपने चैनल पे, वो देखता रहता है कि मेरे चैनल में कब क्या हो रहा है, और मुझे बताते रहता है। और अभी हमारे बाजार के भी सारे काम हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं घर। टाइम हो रहा है 6:30, अभी मैं पहुंच गई हूं घर। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भगड़ा मिलती हूं आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।